हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश की बुक विस्टास से चैप्टर द एनिमी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा है पर्ल एच पक ने। इस चैप्टर में डॉक्टर सिडाओ एक सर्जन है जिनके फादर को उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब वो एक बच्चे होते हैं। उनके फादर बहुत ही रिजर्व काइंड के पर्सन रहते हैं और वो ज्यादा अपने बच्चे से कुछ भी बात करने पे बिलीव नहीं करते हैं, और वो हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा कुछ हासिल करे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसको पढ़ने के लिए जब वो 22 साल का था अमेरिका भेजा, और जैसे ही वो अमेरिका में उसकी सर्जरी की पढ़ाई पूरी हुई वो वापस आ जाता है। और फिर यहाँ पे आकर के जब तक वो आते हैं तो उनके फादर की डेथ भी हो चुकी होती है, पर उनके फादर का जो सपना था वो तब तक पूरा हो चुका होता है और उनके फादर उसे एक फेमस साइंटिस्ट और सर्जन बनते हुए देख चुके होते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर सिडाओ की एज अ डॉक्टर और एज अ साइंटिस्ट भी काम करते हैं। साइंटिस्ट वो इसलिए थे क्योंकि वो एक ट्रीटमेंट पे रिसर्च कर रहे थे जिससे कि जो सोल्जर्स हैं उनके जो वुंड है उसको किस तरीके से जल्दी से वाउंड को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि ये दूसरा विश्व युद्ध था तो यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ होते ही रहता था। अब डॉक्टर सिडाओ की अपने घर जब जाते हैं तो वहां पे वो जब अपनी बैल्कनी में खड़े रहते हैं तो ठीक समुद्र के पास, क्योंकि उनका घर एक समुद्र के पास था, जब वो वहां से देखते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ कोई उधर धुंध में से आता हुआ दिख रहा है। ऐसे जब निकलते हुए उन्होंने देखा कि वहां से कोई आ रहा है और वो बुरी तरह से लग रहा है कि अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो ये दोनों वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कौन है जो इस तरह जमीन पे गिरा हुआ है। तो वो लोग उसको पलटते हैं और देखते हैं कि वो पूरी तरह से ब्लड से भरा हुआ है और उसके शरीर में काफी चोटें हैं, और उसका उसके कैप को जब वो हटाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके हेयर ब्लॉन्ड है, यानी कि जैसे कि अमेरिकन्स के होते हैं, और ठीक उसके पास एक बैज भी लगा हुआ रहता है जिसपे प्रिजनर ऑफ वॉर लिखा हुआ था। तो इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि ये भागा हुआ प्रिजनर है जिसको के जापानीज ने अपने सेल में रखा हुआ था, और जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे वो वहां से जाने नहीं देते। तो अब यहाँ पे डॉक्टर सिडाओ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर वो करे क्या, या वो अपने देश के साथ रहे या वो इसकी मदद करे, क्योंकि एज अ डॉक्टर इट वॉज हिज प्रायर ड्यूटी दैट ही हैज टू हेल्प द पेशेंट फर्स्ट। तो यहाँ पे वो जब इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं तो वो सोचते हैं कि वो क्या करेंगे, पर लास्टली जीत होती है अपने सर्विस की ही, और वो उसे अपने घर ले जाते हैं। जब वो उसे अपने घर ले जाते हैं तो डॉक्टर सिडाओ के घर में जितने भी सर्वेंट्स होते हैं वो डॉक्टर सिडाओ के अगेंस्ट हो जाते हैं, यहां तक के जो है ना कि पर्सनल मेड सर्वेंट है यूमी, वो भी उसके बारे में ऐसी बातें बोलती है। वो यही चाहती है कि उसके जो मालिक हैं वो लोग उसे वापस वहीं छोड़ आएं और या तो सरकार के हवाले कर दें, पर ऐसा डॉक्टर सिडाओ नहीं करते हैं, जबकि वो भी उसको एज अ एनिमी ही देखते हैं, पर सर्विस के वजह से वो उसकी ट्रीटमेंट करने पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। यूमी को जब हैना कहती है कि वो उस प्रिजनर को पूरी तरह से वॉश कर दे, उसको वाइप कर दे, यूमी पूरी तरह से ना कर देती है, तो ये सारा काम हैना को ही करना पड़ता है। वहां पे जितने भी सर्वेंट्स थे, चाहे वो गार्डनर थे चाहे वो जो भी थे, वो डॉक्टर सिडाओ को ये तक कहते हैं कि जिस इंसान को नेचर ने नहीं बख्शा, उसको पत्थरों से चोट लगी, वो समुद्र में से फेंक दिया गया, उस इंसान को बचाने का क्या मतलब, इसका मतलब है कि हम गॉड के साथ गलत कर रहे हैं और गॉड इसका बदला बहुत जल्दी लेंगे। तो ये सब सुनने के बाद भी डॉक्टर सिडाओ उन लोगों की बातों में नहीं आते हैं और वो यही डिसाइड करते हैं कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, यानी कि वो उसकी जान बचाएंगे। पर ये सब होने के बीच में ही, दौरान में ही, ये सारे नौकर जो होते हैं वो डॉक्टर सिडाओ का घर छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सरकार से यानी कि जनरल टाकेमा से किसी भी तरीके का पंगा ले, तो वो लोग उस घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर सिडाओ जब देखते हैं कि उस प्रिजनर ऑफ वॉर की हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि अब वो जाकर के जनरल टाकेमा को सारे बात के बारे में बता देते हैं। जनरल टाकेमा डॉक्टर सिडाओ पे बहुत भरोसा करता था, क्योंकि जनरल टाकेमा को जो एलिमेंट था उस वजह से वो डॉक्टर सिडाओ के ट्रीटमेंट पे ही भरोसा करता था। तो जब डॉक्टर सिडाओ जनरल टाकेमा के पास जाते हैं और उन्हें ये सारा कुछ बताते हैं तो जनरल टाकेमा शॉक्ड होने के बजाय उसको कहते हैं, उसको बड़े ही अच्छे से जवाब देते हैं और कहते हैं कि ठीक है,
तुमने मुझे बता दिया, ये तुमने बहुत सही किया। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने कुछ असैसिन्स भेजूंगा जिससे कि वो उसे वही मार देंगे और उसकी बॉडी को कहीं भी डंप कर देंगे, यानी कि वो एक तरीके से सडाव को भी बचा लेंगे और दूसरी तरफ से उस एनिमी को भी रास्ते से साफ कर देंगे। डॉक्टर सडाव इस चीज के लिए अग्री कर जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं। जब वो अपने घर जाते हैं तो उस रात को वो वेट करते हैं कि कब जनरल टाकिमा के असैसिन्स आएंगे और उसको मार के वहां से चले जाएंगे। असैसिन्स वो होते हैं जिनको हम पैसे देते हैं किसी को मारने के लिए। तो वो वेट करते हैं और वो रात निकल जाती है पर कोई नहीं आता। दूसरी रात को भी वो वेट करते हैं पर दूसरी रात को भी जनरल टाकिमा की तरफ से कोई भी असैसिन नहीं आता है और फिर वो वैसे ही रह जाता है। फिर तीसरी रात को भी ऐसा ही होता है। कंसेक्यूटिवली तीन रातें ऐसे ही निकल जाती हैं और कोई भी वहां पे उसे मारने के लिए नहीं आता है। तो अब इसलिए डॉक्टर सडाव क्या प्लान करते हैं कि क्योंकि उन्हें भी अपने देश के साथ वफादारी रखनी है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि जब अभी तक जनरल टाकिमा ने असैसिन्स को नहीं भेजा है तो वो खुद प्रिजनर ऑफ वॉर को यहां से एस्केप करने में मदद करेंगे। वो उसे कुछ खाने पीने का सामान देते हैं, एक टॉर्च लाइट देते हैं और उसे उस बोट पे बैठा करके वहां से भेजने की पूरी तैयारी करते हैं और उसे कहते हैं कि जैसे ही तुम उस जोन को क्रॉस करना तो तुम मुझे वो फ्लैश लाइट दिखा देना जिससे कि मैं समझ जाऊंगा कि तुम सेफ जोन में पहुंच चुके हो। और इसी तरह से प्रिजनर ऑफ वॉर वहां से जाने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब ये बात नहीं समझ में आती कि जनरल टाकिमा ने आखिर असैसिन्स को भेजा क्यों नहीं। क्या वो सच में नहीं भेजना चाहता था या इसके पीछे भी उसकी कोई स्ट्रैटेजी थी, तो ये तो जनरल टाकिमा ही जाने। तो ये था द एनिमी चैप्टर। तो इस चैप्टर को क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर सडाव के फादर के बारे में, जो कि एक बहुत ही रिजर्व और सीरियस काइंड पर्सन है और वो अपने बच्चे से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है और वो चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल सर्जन बने। डॉक्टर सडाव अमेरिका जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहां पे उनकी मुलाकात हैना से होती है और वो हैना को शादी के लिए तब तक प्रपोज नहीं करते हैं जब तक वो ये नहीं जान जाते कि हैना एक जापानीज है, क्योंकि उनके फादर इन सारी चीजों में काफी स्ट्रिक्ट थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि इन सब चीजों में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए वो ये काम करते हैं। अब जब वो वापस आते हैं तो यहाँ पे वो अपने सर्विस में लग जाते हैं और उसी दौरान इस प्रिजनर ऑफ वॉर से उनकी मुलाकात यानी कि एक्सीडेंटली होती है और वो उसे अपने घर ले आते हैं और जिस वजह से सारे सर्वेंट्स वगैरह उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि वो अपने कंट्री के लिए फेथफुल रहे, क्योंकि उस समय अमेरिका और जापानीज में विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो अपने कंट्री के साथ डिसलॉयल हो। पर क्योंकि वो उनकी सर्विस भी थी, वो उसके साथ भी नजरअंदाजी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो अपनी सर्विस को भी प्रायोरिटी दे, क्योंकि उन्होंने जब वो डॉक्टर बने थे, जब वो सर्जन बने थे, तो उन्होंने ये शपथ ली थी कि वो अपने पेशेंट्स की जान हर हालत में बचाएंगे। और फिर यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल टाकिमा के बारे में, तो जनरल टाकिमा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूलर है जिससे कि वहां के लोग काफी डरते हैं। उसी का कारण था कि उनके सर्वेंट्स उनका घर छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो उस घर में रहेंगे तो वो सीधे सीधे जनरल टाकिमा के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि वो भी प्रिजनर ऑफ वॉर की तब मदद करेंगे। और यहाँ पे जनरल टाकिमा डॉक्टर सडाव के लिए थोड़ा सा बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि वो डॉक्टर सडाव को भरोसा करता है उनके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वो और किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाता है और उसी का कारण था कि वो डॉक्टर सडाव को कहीं बाहर भी नहीं जाने देता था। तो इसलिए वो डॉक्टर सडाव की मदद करने के लिए तैयार होता है कि वो अपने असैसिन्स भेजेगा और डॉक्टर सडाव को इस चीज से मुक्त कर देगा और उसको मरवा करके वो उसकी बॉडी को कहीं भी डंप करवा देगा। पर लास्ट में होता ऐसा है कि असैसिन्स तो आते नहीं है, पर डॉक्टर सडाव खुद ही उसकी मदद करते हैं उसे वहां से एस्केप कराने में और फिर वो सक्सेसफुल भी होते हैं। तो यही था चैप्टर में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।